आज हम बात करेगा डिप्रोवेट एस प्लस ऑइंटमेंट के ऊपर एमआई मेडिसिन इंफॉर्मेशन ए टू जेड चैनल पे। आज आप लोगों के बीच में एक और नया वीडियो लेके आया है, ये हो गया डिप्रोवेट एस प्लस ऑइंटमेंट। ये एक क्रीम है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं लेता है, 165 जैसा लेता है। ये हर फार्मेसिस में मिलता है। तो बात करते हैं डिप्रोवेट एस प्लस क्या क्या बीमार होने से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या क्या बीमार होने से इसको आप लोग लगा सकते हैं। तो मेनली इसका काम है एलर्जी, दमा, कैंसर, गठिया संबंधी विकार, चर्म रोग, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सेवेरिक केराटिस, मुंहासे, डाइपोर्डेस, खुजली, डर्माटाइसिस, सोराइसिस, केंटिड डर्माटाइसिस, सेवेरिक डर्माटाइसिस, एक्जिमा, पल्को की सूजन, आँखों की सूजन, यूबाइटिस, रूसी, मस्से, फुटकर्न, केल्स, टंगोमेड एंथन, कमर दर्द, सी दर्द, पुखन की कमी, ये सब बीमार होने से आप लोग इसको क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बीमारी का ये काम करता है, बहुत फायदेमंद क्रीम है, बहुत अच्छा क्रीम है। जो भी हो, हर मेडिसिन इस्तेमाल करने से एक बार ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि डॉक्टर ही जानता है कब कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद में अगर आपको कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई दिए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो क्या क्या आपका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो भी बता देता है। ये हड्डी का पतन, संक्रमण होने का बड़ा सत्रा, स्किन थिनिंग, हड्डी का फ्रैक्चर, मोडनारी, रक्तचाप में वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि में बदलाव, तपसा पर निशान पड़ना, मोटियाबिंद, एरिथमा, कब्ज, पेट में सूजन, खुशी तपसा, फ्लोसिंग, तपसा पर डानिया साले, मुहासे, तपसा में जलन, खुजलिया जलन, सूजन, लाल सकते, उर्टिकारियो, ये सब आपका साइड इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं। अगर ऐसा बोला, अगर ये सब साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई दिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर ही ये साइड इफ़ेक्ट को दबा सकते हैं, निर्मूल कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो डिप्रोवेट एस प्लस के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।